हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है डेजी चेनिंग। हम सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां हमने देखा था कि जो हमारा सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन है वो तीन टाइप का होता है, जिसमें जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो है डेजी चेनिंग। आज हम डेजी चेनिंग क्या होता है डिस्कस करेंगे और हम कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे जो डेजी चेनिंग में होते हैं। अब क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन मेथड है, तो जैसा हमने आर्बिट्रेशन में सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन पढ़ा था, यहाँ पर होगा एक कंट्रोलर या जिसको हम सेंट्रल डिवाइस बोलेंगे। इस डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अमंग वेरियस डिवाइसेस जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस के एक्सेस के लिए, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना और बस को उसका एक्सेस और बस का एक्सेस उसको दे देना या फिर बस का एक्सेस ग्रांट करवा देना। चलिए हम डेजी चेनिंग को एक डायग्राम से समझते हैं और उसके बाद मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी आपके लिए। जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ पर डेजी चेनिंग में एक होगा कंट्रोलर या जिसको हम बस कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो यहाँ हम बना देते हैं इस कंट्रोलर को, ये सेंट्रल डिवाइस है। साथ में होंगे हमारे बहुत सारे मास्टर, तो ये मास्टर वन है। ऐसे ही हमारे पास होगा एक मास्टर टू, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और मास्टर इंक्लूड कर लेंगे ताकि ये आपको डायग्राम प्रॉपर समझ में आए। एक बहुत सारे डिवाइसेस और कनेक्ट हो सकते हैं इसमें, तो चलिए यहाँ पर लास्ट में बस एक और मास्टर बना देते हैं, मास्टर एन। इन मास्टर के पास होगा बस एक्सेस लॉजिक। तो ये मेरा मास्टर वन का बस एक्सेस लॉजिक है, ऐसे ही मास्टर टू का बस एक्सेस लॉजिक। सिमिलरली यहाँ पे मास्टर एन का बस एक्सेस लॉजिक, कुछ इस तरीके से। ये सारे मास्टर कनेक्टेड होंगे इस कंट्रोलर से, तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं लाइंस। हर एक जो मास्टर है वो बस के लिए अगर उसको रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए हमारे पास होती है एक कॉमन लाइन जिसको हम बोलते हैं बस रिक्वेस्ट लाइन। ठीक है, तो यहां हम बनाते हैं एक बस रिक्वेस्ट लाइन। इन सबको हम कनेक्ट कर देते हैं, जितने भी मास्टर हैं ये सब बस रिक्वेस्ट लाइन से कनेक्टेड होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए इन डिवाइसेस को डेटा को ट्रांसमिट करना है तो उनको बस का एक्सेस चाहिए होगा और इसके लिए वो रिक्वेस्ट बस रिक्वेस्ट लाइन के थ्रू कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड करने वाले हैं। अब इस केस में दो चीजें होती हैं, या फिर तो जो बस है वो फ्री होगी या बस जो है वो बिजी होगी, किसी और डिवाइस के एक्सेस हमने ऑलरेडी ग्रांट कर रखा है अगर। तो यहाँ पे हमें एक और लाइन बनानी होगी जिसको हम बोलते हैं बस बिजी लाइन। तो यहाँ पे हमारा जो बस बिजी लाइन होती है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं और ये है मेरी बस बिजी लाइन। इनको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। हर एक डिवाइस बस बिजी लाइन के साथ भी कनेक्टेड होगा। क्यों होगा, हम अभी थोड़ा सा एक बार डायग्राम देख लें, उसके बाद मैं पूरी वर्किंग आपको एक साथ बता दूंगी। ये हो गई बस रिक्वेस्ट लाइन। अगर किसी डिवाइस को या मास्टर को बस का एक्सेस चाहिए तो वो कंट्रोलर से बस रिक्वेस्ट लाइन के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरे को एक्सेस दे दो ताकि हम जो है वो डेटा को ट्रांसमिट कर पाए। और एक है हमारी बस बिजी लाइन जो ये बताने के लिए है कि हमारी जो बस है वो फ्री है या फिर अभी वो कहीं और बिजी है, किसी और मास्टर के साथ बिजी है। ये हो गया। अब है अगर बस फ्री, तो उस केस में हमें क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा ग्रांट। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर होता है वो देता है एक सिग्नल बस ग्रांट का, जिसके लिए हमें लगेगी एक बस ग्रांट लाइन। और ये जो बस ग्रांट लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती है। तो ये हो गया बस ग्रांट। जो कंट्रोलर होता है वो फर्स्ट मास्टर के पास ही केवल बस ग्रांट सिग्नल भेजता है, बाकी जो हमारा मास्टर है जिसके पास वो गया है वो नेक्स्ट डिवाइस जो भी कनेक्टेड होता है उसको ये सिग्नल आगे प्रपोगेट कर देता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं
तो हमारा जो बस ग्रांट सिग्नल है इस तरह से प्रपोकेट होगा। तो ये हमारा एक डायग्राम बन गया। अब जल्दी से एक बार इसको देख लेते हैं। एक कंट्रोलर है जो मैनेज करेगा एक्सेस को बस के, कि किसको देना है किसको नहीं देना। ये हमारे मास्टर्स हैं जिनको बस का एक्सेस चाहिए होगा डेटा को ट्रांसमिट करवाने के लिए। हमारे पास होती है एक बस बिजी लाइन और एक बस रिक्वेस्ट लाइन। स्टार्ट करते हैं। जिस भी मास्टर को अगर बस का एक्सेस चाहिए, किसी भी मास्टर को, तो वो कंट्रोलर को बस रिक्वेस्ट लाइन के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमको बस का एक्सेस चाहिए। तो देखिए डायरेक्शन इस तरफ है ना, हर एक डायरेक्शन हमारा इस तरफ है, क्योंकि इन डिवाइसेस के जो है, ये जो डिवाइसेस है ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंट्रोलर को, तो डायरेक्शन इस तरफ है। अब इसमें क्या होगा, अगर बस फ्री होगी वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर बस बिजी होगी तो जो सिग्नल है वो वहां पे हमें दिख जाएगा। या हर कोई एक डिवाइस जो बस बिजी लाइन के साथ कनेक्टेड है, यहां से समझ जाएगा कि बस बिजी है तो अभी उसको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी जो बस है वो फ्री है, किसी भी मास्टर के पास उसका एक्सेस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो कंट्रोलर होगा वो एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसको हम बोलते हैं बस ग्रांट सिग्नल। और ये जो बस ग्रांट सिग्नल है वो बस ग्रांट बस के थ्रू जाएगा इन डिफरेंट डिवाइसेस के पास। ध्यान रखिएगा, यहाँ समझने वाली बात जो ये है कि जो बस ग्रांट सिग्नल होता है ये पहले मास्टर के पास भेज दिया जाता है। अब अगर इस पहले मास्टर को कोई डेटा सेंड करना है तो वो क्या करता है, बस बिजी लाइन की हेल्प से, ये बस बिजी लाइन है, इसकी हेल्प से ये डेटा ये एक सिग्नल कंट्रोलर को सेंड कर देता है कि मैंने बस का एक्सेस ले लिया है, अब जो बस है वो मेरे साथ बिजी है। तो अगर अब कोई और डिवाइस बस के लिए रिक्वेस्ट करे तो बस बिजी लाइन में उसका जो स्टेटस है वो बस बिजी आना चाहिए, कि बस जो है वो अभी किसी और मास्टर के साथ बिजी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। लेकिन सपोज यहाँ पे जो बस ग्रांट है वो हमारा जो सिग्नल मास्टर वन में भेजा गया था उसको नहीं चाहिए था, मतलब मास्टर वन को कोई भी डेटा सेंड नहीं करना था, तो उस केस में ये जो बस मास्टर होता है वो इस सिग्नल को प्रपोगेट कर देता है अपने आगे वाले कनेक्टेड मास्टर में। तो इस तरीके से प्रपोगेशन हो रहा है। और अगर इसको भी नहीं चाहिए होता है मास्टर टू को, तो वो अपने आगे वाले मास्टर में प्रपोगेट करता है एंड सो ऑन, और आखिरी वाला डिवाइस सबसे लास्ट में सिग्नल प्रपोगेशन जो हो रहा है वो उसको मिलता है। तो इस तरीके से हमारी कुछ वर्किंग है इस डेजी चेनिंग की। सिंपल मेथड है भाई, कुछ नहीं करना है, कंट्रोलर के पास हमारी रिक्वेस्ट आएंगी, कंट्रोलर क्या करेगा, अगर बस फ्री है तो ग्रांट का सिग्नल फर्स्ट मास्टर को भेज देगा, वहां से जो सिग्नल है वो प्रपोगेट होगा आगे जाएगा, और जिसको भी डिवाइस को जो अगर बस का एक्सेस चाहिए है तो वो क्या करेगा, एक्सेस ले लेगा, और साथ में एक बस बिजी लाइन में एक सिग्नल सेंड कर देगा कि जो बस का एक्सेस है वो मैंने ले लिया है, और अब जो बस बिजी हो गई है, अब अगर कोई दूसरा डिवाइस उस टाइम पे बस का एक्सेस लेना चाहेगा तो उसको यहाँ पे स्टेटस क्या दिखेगा, बस बिजी स्टेटस दिखेगा। ये सिंपल सा मेथड है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो बस ग्रांट सिग्नल है ये सीरियली प्रपोगेट हो रहा है। अब क्योंकि ये सीरियली प्रपोगेट हो रहा है तो इससे जो डिले है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर मास्टर वन को भी कोई डेटा नहीं भेजना था, मास्टर टू को भी कोई डेटा नहीं भेजना था, मास्टर कोई फोर होगा उसको डेटा भेजना था, लेकिन फिर भी जो सिग्नल है वो सीरियली प्रपोगेट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे पहले यहाँ जाएगा, फिर ये आगे भेजेगा, फिर ये आगे भेजेगा, एंड सो ऑन, जिससे जो ये प्रपोगेशन है सीरियल प्रपोगेशन ये करवाएगा डिले, इसके कारण हमारा डिले अकर होगा, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अब बात करते हैं ये मास्टर्स क्या हैं। तो मास्टर कोई भी एक डिवाइस हो सकता है। कुछ एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो मास्टर प्रोसेसर हो सकते हैं, या हमारा डीएमए कंट्रोलर जो है वो हमारा मास्टर हो सकता है, जो कि बस से कनेक्टेड होंगे अगर उनको कम्युनिकेशन करवाना है। अब अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की इस डेजी चेनिंग के, तो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। ये मेथड बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे स्केलेबिलिटी का भी ऑप्शन होता है।
स्केलेबिलिटी मतलब अगर हमारे पास और भी कोई डिवाइसेस हैं जिनको हमें कनेक्ट करना है तो हम बहुत ही आसानी से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं चेन में हम कनेक्शन कर सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह होती है कि यहाँ पे एक लिमिट बस होती है कि मैक्सिमम इतने ही डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रोपोगेशन है वो सीरियल हो रहा है, तो एक लिमिट के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम स्केलेबिलिटी यहाँ पे दे सकते हैं। सिंपल है, स्केलेबल है। अब अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं डेजी चेनिंग के, तो डिसएडवांटेज सामने ही दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है वो डिपेंड करती है डिवाइस की पोजीशन पे। मतलब डिवाइस या मास्टर वन अगर हम बात करें वो कंट्रोलर के एकदम पास है, तो अगर बस ग्रांट का सिग्नल सेंड करना है तो कंट्रोलर जो सबसे पास वाली पोजीशन का मास्टर होता है उसको भेजता है, भले ही उसे वो एक्सेस चाहिए या नहीं चाहिए उससे फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोलर बस प्रपोगेट कर देगा बस ग्रांट सिग्नल को पहले वाले से, क्योंकि वो पास में है उसके, और फिर वहां से वो फर्दर प्रपोगेट किया जाएगा सीरियली। दूसरी चीज, यहाँ पे जो डिले है वो ज्यादा है, क्योंकि मान लीजिए कोई आगे का डिवाइस है उसको ग्रांट चाहिए, लेकिन आगे की बहुत सारे डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो प्रोपोगेशन हो रहा है, सीरियल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होगा और प्रोपोगेशन डिले आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि सपोज यहाँ पर कोई एक डिवाइस हो गया फेल, मास्टर टू हो गया फेल, इस केस में क्या होगा, पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। कैसे डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये जो बस ग्रांट सिग्नल है वो सीरियली प्रपोगेट किया जा रहा है, तो जब मास्टर वन जिसको बस का एक्सेस नहीं चाहिए था वो क्या करेगा, इस सिग्नल को, बस ग्रांट सिग्नल को मास्टर टू के पास भेजेगा, मास्टर टू हो गया डाउन, तो जो सिग्नल है वो आगे प्रपोगेट नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बताया है सिग्नल क्लियरली प्रपोगेट हो रहे हैं, अब ये डाउन हो गया है तो सिग्नल आगे प्रपोगेट नहीं हो पाएंगे। तो आज हमने देखा एक डेजी चेनिंग मेथड सेंट्रलाइज्ड का जो है वो कैसे काम करता है, और हमने इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन का एक मेथड देखेंगे, पोलिंग मेथड।